वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग आज के लेक्चर में हम सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग क्या होती है और इसके क्या रोल्स रोल इम्पोर्टेंस उनको देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कॉन्टेंट फॉर सोशल मीडिया ऑडियंस यूजली अक्रॉस मल्टीपल मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट कैन इंक्लूड राइटिंग शॉर्ट कैप्शन फॉर टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप लॉन्ग फॉर्म लिंक आर्टिकल्स एंड एवरी थिंग इन बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है जब हम कॉन्टेंट अपना जो है वो लिख रहे होते हैं अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म ठीक है हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आ, के बारे में जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास सोशल मीडिया के जिसमें हमारे पास फेसबुक है यूट्यूब है व्हाट्सएप है लिंकड इन है देन इंस्टाग्राम है टिकटॉक है बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर वगैरह ये सब क्या है हमारे पास ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हम इनके लिए जब कंटेंट लिख रहे होते हैं ठीक है कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वीडियो की फॉर्म में रील्स की फॉर्म में है या फिर लॉन्ग आर्टिकल्स हैं जैसे कि लिंकड इन लोगों ने लिखे होते हैं ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस प्लेटफॉर्म के बारे में लिख रहे हैं या किस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं तो इसको आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग मीन आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिख रहे हैं देन हमारे पास रोल्स एंड इम्पॉर्टेंस हैं सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग की जिसमें फर्स्ट हमारे पास है यू विल बेटर कम्युनिकेट विद योर टारगेट ऑडियंस आप अपनी टारगेट ऑडियंस से इस तरह बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स के कुछ जैसे कुछ लोग एक्टिंग का जिन्हें शौक़ होता है तो आप देखेंगे कि आप एक्टिंग वालों को कभी भी आप लिंकड पे नहीं देखेंगे आप उनको ज़्यादातर टिकटॉक पे देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है या फिर इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो ये डिपेंड करता है यहाँ से आप अपनी जो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसकी बेस पे आप अपना जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो सेलेक्ट करते हैं एंड देन आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं देन यू विल बी एबल टू हाईलाइट योर ब्रांड पर्सनैलिटी ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया आजकल अपने ब्रांड की या फिर आप किसी भी अपने प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग uh, के लिए भी आप इसको अच्छा जो है वो सोर्स समझ सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा है टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे भी लोगों ने अपने चैनल्स बनाए होते हैं उस पर अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको वो डायरेक्टली हाईलाइट कर रहे होते हैं कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचती भी है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास यू विल एक्टिवेट एन इमोशनल कनेक्शन और इसी तरह जो है आप अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर पाते हैं चाहे आप वो इमोशनल हो फनी हो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ देम यू विल बी एबल टू कन्वर्ट ऑडियंस इंटू कस्टमर्स देन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना जो भी ब्रांड है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको हम आगे लेके जाते हैं मतलब उसको प्रमोट करते हैं तो इसी तरह जो आपकी ऑडियंस होती है वो अगर इंटरेस्टेड हो जाती है आपकी प्रोडक्ट में तो वो आपके कस्टमर्स भी बन जाते हैं यू विल एबल टू गेट मोर ट्रैफिक ठीक है इसी तरह आप अपनी जो ट्रैफिक है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे अपने कॉन्टेंट पे कैन गिव द राइट पिक्चर टू इनहेंस योर वर्ड्स और इसी तरह आपकी जो आपका जो व्यू है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाता है जब आप लोगों से डायरेक्टली मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट्स द ऑडियंस विद द ब्रांड और आप इसी तरह अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हम टिकटॉक पर काफ़ी ऐसे डेली देखते हैं जैसे कि आप आ, कपड़ों का ही देख लें कपड़ों के कई लोगों ने जो है वो वहाँ पे अपने वो बनाए हुए हैं चैनल्स और उसको जो है वहाँ पे वीडियोस जो है उससे रिलेटेड जो है वो आप देखते हैं आपको नज़र आती हैं एंड देन जो जिन जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो उस अपने उस आ, मतलब स्पेसिफिक अकाउंट में जा के उसकी डिटेल लेते हैं ड्रेस की एंड देन जो है उसके कस्ट जो कस्टमर होते हैं वो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं देन ब्रेड ट्रस्ट इसी तरह आप अपना जो भी ट्रस्ट है वो भी डेवलप कर सकते हैं जब आप एक अथेंटिक और यूनिक जो है अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें जो कि रियल हो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स थे सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग के दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू